हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G और 4G के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक कि ये 5G जो है वो कौन सी स्टैंडर्ड यूज करता है, इसके थ्रूपुट क्या है, पीक रेट क्या है, अपलिंक थ्रूपुट क्या आता है, ठीक एज स्पेस का थ्रूपुट क्या आता है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा स्मार्ट सिटी बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ में, या जहाँ पर भी इसका यूज होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आर्किटेक्चर तो आपने देख लिया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद 5G के अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5G के अंदर एंटीना किस तरीके से हमारा नेटवर्क देगा, बीम के फॉर्म में। यहाँ पे आप बीम देख सकते हैं, बीम विड्थ कितनी है यहाँ पे एंगल के हिसाब से, ठीक है। मोबाइल स्टेशन से जैसे ये यूजर्स हैं, यूजर अगर इस बीम के अंदर कितने भी आ रहे हो वो सारे को कवर कर लेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे, यानी यूजर्स के बेसिस पे ये बीम मूव करेंगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए BDMA, ठीक है। BDMA स्टैंडर्ड या मल्टीपल एक्सिस स्कीम 5G के अंदर यूज होने वाली है, यूज हो रही है। BDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, ठीक। इसका मतलब क्या है, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड टू इंक्रीज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कैपेसिटी, ठीक है। इसका क्यों यूज हो रही है, क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है उसकी कैपेसिटी को, सिस्टम कैपेसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को क्या करेगा, हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये मल्टीपल एक्सिस टेक्निक क्या करेगी, यानी जो कैपेसिटी है सिस्टम की, वायरलेस कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन यानी 5G। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। स्पेसिफिकेशंस 4G 5G, ठीक। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फुल नेम, इनका फुल नेम क्या है, 4G को हम बोलते थे फोर्थ जनरेशन, 5G को बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन, यानी 5G फिफ्थ जनरेशन, ठीक। पीक डेटा रेट क्या था हमारा 4G का, 1 GBPS, ठीक, विदाउट इंटरफेरेंस, विदाउट साइनार खराब हुए, क्यूसीआई वैल्यू ठीक होनी चाहिए हमारी, सब कुछ ठीक होने पर हमारा थ्रूपुट क्या आता था, 1 GBPS, ठीक। जो थियोरेटिकली बोलते हैं, प्रैक्टिकली तो इतना मैंने भी कभी नहीं देखा है, ठीक। ऐसे ही आप 5G के अंदर देख सकते हैं, जो पीक डेटा रेट दिया हुआ है 10 GBPS, ठीक, 10 GB/s, ठीक। बैंडविड्थ देख सकते हैं, डेटा बैंडविड्थ 4G के अंदर थी हमारी 2 MBPS टू 1 GBPS, जबकि 5G के अंदर वो क्या है, 1 GBPS एंड हायर एज पर नीड, ठीक। अब स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी देख सकते हैं, 4G के अंदर जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी थी वो क्या थी, 30 बिट पर सेकेंड पर हर्ट्स, जबकि 5G के अंदर है 120, यानी 4 times 4G, ठीक है, बिट पर सेकेंड पर हर्ट्स। TTI यानी ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल जो 4G के लिए था वो था 1 मिली सेकेंड, जबकि 5G के अंदर उसे बहुत कम कर दिया गया है, वेरिंग 100 माइक्रो सेकेंड टू 4 मिली सेकेंड मैक्सिमम, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं 100 माइक्रो सेकेंड से 4 मिली सेकेंड कर दिया गया है, ये मिनिमम है 100 माइक्रो सेकेंड और मैक्सिमम क्या है, 4 मिली सेकेंड, ठीक। लेटेंसी क्या थी हमारी 4G के अंदर, 10 मिली सेकेंड थी, जबकि 5G के अंदर क्या है, लेस देन 1 मिली सेकेंड, ठीक है, लेस देन 1 मिली सेकेंड। मोबिलिटी 4G के अंदर थी हमारी 350 किलोमीटर पर आवर, 5G के अंदर है 500 किलोमीटर पर आवर। कनेक्शन डेंसिटी 4G के अंदर थी हमारी 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, जबकि 5G के अंदर है क्या है हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। फ्रीक्वेंसी बैंड 4G के अंदर हमारा 2 से 8 GHz था, जबकि 5G के अंदर 300 से 300 GHz के अंदर फ्रीक्वेंसी बैंड हो गई। स्टैंडर्ड 4G हमारा क्या यूज करता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल एक्सिस कवर्जेंस इंक्लूडिंग ओ एफ डी एम ए,
एम सी सी डी एम ए नेटवर्क एल एम पी एस, जबकि हमारा 5G क्या यूज करता है, सी डी एम ए एंड बी डी एम ए, जो अभी मैंने बताया था, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, यूनिफाइड आईपी, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रॉडबैंड, लैन वैन पैन एंड डब्ल्यू लैन। ठीक, 4G के अंदर थी, अब जबकि 5G के अंदर क्या है, यूनिफाइड आईपी, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रॉडबैंड, लैन वैन पैन लैन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन ओएफडीएम मॉड्यूलेशन यूएसडी 5G। सर्विस क्या है, 4G के अंदर क्या थी, डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सिस, वेयरेबल डिवाइसेस, एचडी स्ट्रीमिंग थी और ग्लोबल रोमिंग थी, जबकि 5G के अंदर डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्सिस है, वेयरेबल डिवाइसेस है, ठीक है, एचडी स्ट्रीमिंग, एनी डिमांड ऑफ यूजर, ठीक है, यूजर की जो भी डिमांड होगी उस बेसिस पे इसकी स्ट्रीम्स होगी। मल्टीपल एक्सिस टेक्निक क्या थी, 4G के अंदर हमारी सीडीएमए यूज हो रही थी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, जबकि 5G के अंदर जो होगी सीडीएमए और बीडीएमए दोनों ही यूज होगी, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस दोनों ही। कोर नेटवर्क ऑल आईपी नेटवर्क, जबकि 5G के अंदर क्या है, फ्लैटर आईपी नेटवर्क, 5G नेटवर्क इंटरफेसिंग, ठीक है, 5G नेटवर्क इंटरफेसिंग। हैंड ऑफ कैसे हो रहा था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो 4G के अंदर था 5G के अंदर भी उसी तरीके से है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इनिशिएशन फ्रॉम ईयर 2010, 2010 से 4G आ गया था हमारा, जबकि 5G कब से आ गया, 2015 से, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं इसका यूज क्या है 5G का, देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर 5G न्यू रेडियो, ठीक, देखिए 5G न्यू रेडियो विजन एंड रिक्वायरमेंट आर ड्रिवन फ्रॉम ITM 2020। इट हैज पुट थ्री मेन यूज इज फैमिलीज एंड लिस्टेड परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एज प्रोवाइडेड टेबल। इस टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले EMBB, EMBB का मतलब क्या होता है, एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, ठीक है, इसमें क्या सर्विस है, गीगाबाइट्स इंटरनेट, 3D वीडियोज होंगी, UHD स्क्रीन यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्क्रीन होगी आपकी, VR और AR कोडेक क्वालिटी होगी, अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन URLCC, ठीक, इसमें क्या होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी आपकी जो 5G में आएगी, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होगी, इंडस्ट्री रोबोट होंगे, ड्रोन होंगे, ये काफ़ी सारे यहाँ पे यूज होगा 5G का। मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन में क्या होगा, MMTC, इसमें क्या होगा, स्मार्ट सिटी हो जाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे बोलते हैं, IoT, होम ऑटोमेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ हो जाएगी, ये सब कुछ 5G के जरिए संभव है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट क्या क्या है और यूज केस फैमिली क्या क्या है वो देख लेते हैं। पीक डेटा रेट 5G के अंदर क्या है, डाउनलिंक जो है वो 20 GBPS है जो पीक है, और अपलिंक 10 GBPS है, ठीक है। यूज ऑफ फैमिली का है EMBB यानी एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड। ऐसे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या है, डाउनलिंक में 30 बिट पर हर्ट्स, अपलिंक में 1.5 यानी 15 बिट्स पर हर्ट्स। लेटेंसी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी प्लेन 10 मिली सेकेंड और यू प्लेन 0.5 मिली सेकेंड। यू यानी यूजर प्लेन और सी हो गया कंट्रोल प्लेन, ठीक है, कंट्रोल प्लेन में हमारा 10 मिली सेकेंड है लेटेंसी और यूजर प्लेन के लिए 0.5 मिली सेकेंड है। इसके लिए हमारी जो यूज केस फैमिली क्या होगी वो है अल्ट्रा रिलायबल एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, ठीक। ऐसे यूज एक्सपीरियंस डेटा रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनलिंक 100 Mbps, अपलिंक 50 Mbps, ठीक। एरिया ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होगी, 10 Mbps पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगी। कनेक्शन डेंसिटी क्या होगी हमारी, 1 मिलियन डिवाइसेस पर किलोमीटर स्क्वायर। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होगी, 90% रिडक्शन इन एनर्जी यूजेज। रिलायबिलिटी क्या होगी, 1 पैकेट लॉस आउट ऑफ 100 मिलियन पैकेट्स, ठीक है, 100 मिलियन पैकेट्स में से ओनली 1 पैकेट का लॉस, ये होगी रिलायबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर। मोबिलिटी इंटरप्शन टाइम क्या है, 0 मिली सेकेंड। सिस्टम बैंड भी सपोर्ट करेगा अप टू 1 GHz। कवरेज क्या होगा, MMTC।
MTC यानी मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है, 164 dB। यूवी बैटरी लाइफ कितनी होगी 5G के लिए, 15 ER। ठीक है, तो ये था 5G के बारे में, कहाँ यूज होगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है, और उसमें 4G और 5G में डिफरेंस क्या है। तो आज हमारे वीडियो में इतना ही, ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।